हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BSNL के मॉडम में हम वाईफाई का नाम और पासवर्ड किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है, कभी भी हम अगर वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज करना चाहें तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चेंज करिए। वाईफाई का नाम भी चेंज करिए और वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज करिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास BSNL का मॉडम है जो आजकल BSNL 1500 रुपये लेके आपको दे रही है, ठीक है। और चूंकि मैंने अभी इसमें आपको भाई वाईफाई के बारे में बताना है, उसका नाम पासवर्ड के बारे में बताना है कैसे चेंज करते हैं, इस वजह से मैंने DSL केबल नहीं लगा रखी है ताकि इंटरनेट एक्सेस नहीं है। लेकिन मैंने आपको वाईफाई के बारे में बताना है कि उसका नाम और पासवर्ड किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ब्रह्मास्त्र है इंटरनेट के लिए, वो ये है लैन केबल, ठीक है। ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए, आपका मॉडम के साथ मिली होगी या कोई बॉक्स पुराना मॉडम का पड़ा होगा उसमें आपको मिल जाएगी। जब भी कनेक्शन सेटअप हुआ होगा या जाके BSNL के ऑफिस से आप ले सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लैन केबल है, इसको आज 45 भी कहते हैं। इसके दो सिरे होते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो हमारा एक सिरा है, इसको मॉडम में पीछे ये देखिए येलो कलर के चार पोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं, किसी भी पोर्ट में लगा दीजिए। मैंने इस पोर्ट में लगा दिया, ठीक है। और ये इसका दूसरा सिरा खाली है, इसको हम जो है लैपटॉप में या PC जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्लॉट होते हैं, अलग अलग जगह पे भी होते हैं। तो इसको हम देखिए, जैसे मेरा लैपटॉप में ये बैक साइड में है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा लैन का पोर्ट है, ठीक है। इसमें मैं ये इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। आप देखिए इसमें मॉडम में देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा लाइट जल जाएगी, देखिए ये लाइट जल गई है, ठीक है। तो ये पीछे मैंने कि कहते हैं 1 2 3 लैन 3 पे कनेक्ट किया तो थर्ड नंबर की लाइट जल जाएगी, वो इतना मैटर नहीं करता। आपकी लैन की 1 2 3 4 में कोई भी लाइट जलनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ये कनेक्शन हमको बताता है, देखिए ये है नो इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। ये जो इस तरीके के में ये देखिए जैसे कंप्यूटर सा बना रहता है, इसमें जब ये तो लैन से कनेक्टेड है, मतलब लैन से कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो कई बार अगर इसमें रेड क्रॉस आता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि उसको डायग्नोज कैसे करें। अगर यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क भी लिख के आता है तो उसको डायग्नोज करने का तरीका मैंने बता रखा है अपने और वीडियो में, वहाँ से आप रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नो इंटरनेट एक्सेस है, ये कनेक्टेड है मेरा इस टाइम पर, ठीक है। तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने चलिए मोजिला मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये मैंने मोजिला ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें यहाँ पर सर्च और इंटर एड्रेस जहाँ पे होता है, इसकी BSNL का जो हम लोग मॉडम प्रोवाइड करते हैं इसकी IP होती है 192.168.1.1, ठीक है। इंटर मार देंगे, कम लैपटॉप से या कंप्यूटर से इंटर मार दिया, ठीक है। वेट करिए थोड़ा, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है कि 192 इज रिक्वेस्टिंग फॉर यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि इसका जनरली एडमिन एडमिन होता है, ठीक है। लेकिन जो BSNL इस टाइप के जो मॉडम प्रोवाइड करा रही है इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से जनरली भाई मतलब मॉडम के अंदर इंसर्ट होकर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर एडमिन एडमिन से अगर आपका ओपन हो जाता है तो बेटर है, वरना क्या कहते हैं एक बार एडमिन पासवर्ड डाल के देख लीजिए। तो यूज़र नेम है तो आपका एडमिन ही रहेगा, ठीक है। पासवर्ड मैंने अपना क्या कहते हैं, जैसे मैं इसमें एडमिन डाल के देखता हूँ, ADMIN एडमिन डाला, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा ये इसने लिया नहीं, ठीक है। मैं यूज़र नेम एडमिन डालता हूँ, ठीक है। पासवर्ड में पासवर्ड डालता हूँ, जो पासवर्ड का नॉर्मल स्पेलिंग होता है, जो भी चीज़ें हम लिखेंगे सारी स्मॉल में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पासवर्ड की स्पेलिंग डालता हूँ PASSWORD, ठीक है। ओके पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया सुपरनेट इन्फोकॉम और ये साइड में BSNL ब्रॉडबैंड लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा मतलब आपका इंटरनेट का पेज ओपन हो गया, जिस पे हमको सारी कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें आपको वाईफाई के बारे में बता रहा हूँ कि वाईफाई किस तरीके से करना है,
तो देखिए सबसे पहले इंटरफेस सेटअप जो है इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, देखिए तीन ऑप्शन आ गए, इंटरनेट, लैन, वायरलेस, 6 RD। ठीक है, वाईफाई आपका क्या बेसिकली वायरलेस होता है, वाईफाई को हम वाईफाई कह लें, वायरलेस कह लें, डब्लू लैन कह लें। ठीक है, तीनों चीज़ें सेम होती हैं, वायरलेस, डब्लू लैन और वाईफाई, तीन चीज़ें सेम है। तो हमने बेसिकली वाईफाई की सेटिंग जो है उसको चेंज करना है, तो वायरलेस पे मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, देखिए एक्सेस पॉइंट एक्टिवेटेड है, इस वजह से इस मॉडल में अभी विजिबल नहीं है, लेकिन जो आपकी सबसे राइट में जो लाइट है ये आपकी वाईफाई की लाइट है। ठीक है, अगर मैं इसको अभी यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता हूँ तो वो सबसे लास्ट लाइट जो राइट में थी वो आपकी चली जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये आपका लाइट चली गई। ठीक है, मैं इसको फिर से एक्टिवेटेड पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा आ गई सबसे आखिरी लाइट। ठीक है, तो ये आपका इस पेज पे आपने खाली दो तीन चीज़ें करनी है, बाकी कहीं पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले ये आपका जो एक्सेस पॉइंट है ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप थोड़ा नीचे आ जाइए। अब देखिए इसमें आपको केवल अब इसके नीचे दो चीज़ें करनी है चेंज। ठीक है, एक आपका वाईफाई, और अभी देखिए जैसे इसमें आपका ये वाईफाई का नाम होता है उसे SSID के नाम से भी जान कहते हैं, तो वाईफाई का नाम जो होगा SSID होगा। जैसे मैं JTO पढ़ा हुआ है, ये इसमें वाईफाई का नाम है। ठीक है, और ये नीचे जो प्री शेड की लिखा हुआ है, ये प्री शेड की आपका वाईफाई का पासवर्ड होता है। ठीक है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप जब भी चेंज करना हो तो दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली चेंज करिएगा। ठीक है, अब जैसे JTO है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके स्थान पर मैं ऐसा कर देता हूँ कि BSNL न्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा वाईफाई का नाम BSNL न्यू हो गया। ठीक है, अब प्री शेड की है, ये आपका बेसिकली वाईफाई का पासवर्ड होता है। आप देखिए लिखा है 8 to 60 ASCII कैरेक्टर ऑफ 64, मतलब ये आपका ASCII कैरेक्टर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, आपस में कोई भी मतलब कम से कम 8 का होना चाहिए, नंबर, कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं डाल देता हूँ ABHIRAM9999। ठीक है, तो अगर मैं इसको गिनूँ तो 2, 6, 2, 8 से ज़्यादा ही है, 8 से ज़्यादा ही है। ठीक है, अभी RAM 99 मैंने इसका पासवर्ड कर दिया। ठीक है, तो आपने केवल देखना था ये चीज़ जो है ऊपर सबसे आपका ये एक्सेस पॉइंट एक्टिवेटेड होना चाहिए, और ये नीचे आके देखिए वाई SSID में वाईफाई का नाम चेंज कर दिया, प्री शेड की में RAM 99 मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं बाकी कहीं पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस खाली इन तीन चीज़ों को देखना है बस। अब इसको क्या कहते हैं, सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपका पेज जो है एक बार रिफ्रेश होगा। देखिए ये आपका पेज रिफ्रेश होगा, मतलब आपकी जो सेटिंग है वो अब सेव हो गई है। अब ये देखने के लिए कि चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये जो यहाँ पे मैं नेटवर्क आ रहा है अभी लैन से कनेक्टेड है, चाहे तो निकाल दें चाहे डायरेक्ट भी देख लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी देखिए आपको दिखने लगेगा BSNL न्यू। ठीक है, अभी BSNL न्यू के नाम से हमने चेंज किया था ना, इस पर करा अब कनेक्ट ऑटोमेटिकली, इस पर भी मैंने क्लिक किया। ठीक है, सिक्योरिटी की जो आपने ये पासवर्ड डाला है तो मैंने डाला है कितना, ABHIRAM99। ठीक है, ये ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए कनेक्टिंग टू BSNL न्यू। ठीक है, अब देखिए आपका वाईफाई सही कनेक्ट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो लैन केबल निकाल दो, ये देखिए मैं ये लैन केबल यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इसमें भी लिख के आ गया, सेलेक्ट लोकेशन फॉर BSNL न्यू, कनेक्ट हो गया है हमारा ये। ठीक है, अब देखिए BSNL के नाम से कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं जो पर्पज़ था वो हमारा इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो चुका है। बाकी ये कहते हैं और चीज़ें या और मॉडर्न से रिलेटेड जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।